फटाफट लाइव जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग एएसपी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट जुड़ जाइए। आज का आपका टॉपिक होगा खरबूज, जिसकी थ्योरी की क्लास होगी। तरबूज पढ़ा दिया आज, कद्दू वर्गीय में लास्ट है, ठीक है ना। थ्योरी का लास्ट है खरबूज। खरबूज जिसको बोलते हैं मस्क मेलन, क्या बोला जाता है मस्क मेलन। इसका बॉटनिकल नेम कोकोमिस, कोकोमिस मेलो, क्या बोलते हैं कोकोमिस मेलो। टू एन ओरिजन फैमिलीज की, पहले फैमिली देखिए, फैमिली सबकी कद्दू वर्गियों की कुकरबिटेसी है। क्या है कुकरबिटेसी, कौन सी, सभी कद्दू वर्गीय, चाहे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, किसी का वो खीरा हो, चाहे लौकी हो, सभी की कौन सी है कुकरबिटेसी। ओरिजन, ओरिजन, ओरिजन कौन सा है, मैं बताया था कल, तरबूज और खरबूज का सेम है, ट्रॉपिकल अफ्रीका या उष्ण अफ्रीका बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल। अफ्रीका या अफ्रीका भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तरबूज में होती है 22 और खरबूज में होती है 24, ध्यान रखना कितनी होती है 24, तरबूज में कितनी होती है 22 और खरबूज में 24, ठीक है। इसके बाद में खाने वाला भाग कौन सा होता है, खाने वाला भाग खरबूज में होता है फल, कौन सा होता है फल, जबकि तरबूज में फल प्लेसेंटा या एंडो कार्प, तीनों किसी एक का नाम आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तरबूज में खाने, खरबूज में खाने वाला भाग फल होता है और फल का प्रकार, फल का प्रकार, फल का प्रकार कौन सा होता है पेपो, कौन सा होता है पेपो, ठीक है। सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों का फल का प्रकार पेपो होता है, खाने वाला भाग लगभग लगभग फल होता है, जबकि तरबूज में एंडोकार्प नाम दे देता है, वही फल है एंडोकार्प, जिसे प्लेसेंटा भी कह सकते हैं, ठीक है। खाने वाला भाग कौन सा हो गया, अब नोट लगा कर लिखना। खरबूज को परिपक्वता के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान रखना। खरबूज को, खरबूज हो या तरबूज हो, परिपक्वता के समय खरबूज को परिपक्वता के समय समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, किसकी होती है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना बेटा, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। परिपक्वता के समय तरबूज के लिए अधिक तापमान, शुष्क मौसम, ठीक है, और रातें ठंडी होनी चाहिए, ठीक है, नाइट में ठंडा होना चाहिए और दिन में अधिक तापमान होना चाहिए, इसलिए तरबूज के लिए व खरबूज के लिए मौसम अच्छा होता है। इसके बाद में देखते हैं कि तरबूज की दो स्टेज दे रखी है, पूर्णधारी, पूर्णधारी अवस्था, जिसको बोलते हैं फुल स्लिप स्टेज, क्या बोला जाता है फुल स्लिप स्टेज, यह किसमें देखने को मिलती है, यह
खरबूज की परिपक्वता को यह खरबूज की परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। यह अवस्था फुल स्लीप स्टेज वाली अवस्था आ जाती है, तो समझ लिए कि खरबूज पक गया है, ठीक है, प्रदर्शित करती है। किसको करती है बेटा, याद रखना, परिपक्वता को, ठीक है। अब इसमें एक अलग से होता है कि एक वैरायटी का नाम देकर पूछता है, उसके बारे में पूछता है कि ये कौन सा है, इसकी तुड़ाई कब की जाती है। नोट लगाकर लिखना फिर से, नोट। जाल अवस्था जिसको क्या बोलते हैं, नेटिंग स्टेज, क्या बोला जाता है, नेटिंग स्टेज। ये कब यूज होती है, किसके लिए यूज होती है बेटा, ये हरा मधु किस्म की परिपक्वता को प्रदर्शित करती है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, पूर्णधारी अवस्था तो किसको प्रदर्शित करती है, खरबूज की तुड़ाई कब की जाती है, सीधा सा क्वेश्चन बनता है, पूर्णधारी परिपक्व अवस्था में, ठीक है। पूर्णधारी अवस्था में तो खरबूज की तुड़ाई की जाती है, पर एक वैरायटी है हरा मधु किस्म है ये वाली बेटा, ये वाली किस्म है जिसकी तुड़ाई कब की जाती है, नेटिंग अवस्था में, जाल अवस्था में तुड़ाई की जाती है या परिपक्वता प्रदर्शित करती है, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीज है। यदि किसी वैरायटी का नाम देकर ना पूछे, सीधा पूछे खरबूज की तुड़ाई कब की जाती है या किस अवस्था में की जाती है, तो पूर्णधारी अवस्था होगा। यदि पूछ ले कि हरा मधु किस्म की किस अवस्था में तुड़ाई की जाती है, तब क्या होगा, नेटिंग अवस्था या जाल अवस्था, ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट। अब इसमें खरबूज में TSS कितना पाया जाता है, बताया, तरबूज में तो होता है 11 से 13%, ठीक है, और खरबूज में होता है 11 से 17%। सामान्यतः कोई वैरायटी की बात नहीं होती यहाँ पर, केवल पूछा जाए खरबूज में TSS की मात्रा पाई जाती है तो 11 से 17%, ध्यान रखना 11 से 17%। नेक्स्ट, खरबूज में पानी की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है बेटा, 90%, याद रखना इसको, दोनों को आप स्टार मार्क कर लेना, इसको भी और इसको भी, ठीक है, और दोनों अवस्थाएं ये भी, ठीक है, इनको और इनको, ये दोनों को स्टार मार्क कर लेना बेटा, ठीक है। खरबूज में पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है, 90%, जबकि तरबूज में 92 से 95% पाई जाती है, जबकि तरबूज में कितनी होती है, 92 से 95% कितनी होती है, 92 से 95% तरबूज में होती है, 90% खरबूज में होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, तरबूज में कितना होता है और खरबूज में कितना होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 10%, कितना पाया जाता है खरबूज में, 10%, ध्यान रखना,
10%। कितना पाया जाता है? 10%। इसके बाद में इसका क्लाइमेट जलवायु, क्लाइमेट जलवायु भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों का सभी का बताया कि गर्म जलवायु में उगाई जा सकती है। कौन सी में? गर्म जलवायु या गर्म मौसम में, ठीक है। इसके लिए तापमान, तापमान कितना होता है? तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्यतः, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सामान्यतः तापमान होता है, पर 18 डिग्री से नीचे तापमान होने पर खरबूज का बीजों का अंकुरण नहीं होता। तो नोट लगा कर लिख लेना बेटा, 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान होने पर खरबूज के बीजों का अंकुरण नहीं होता। नहीं होता है, ठीक है। इसको याद रखना, 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे या नीचे या अधिक होने पर, मतलब कि 18 से 20 के बीच में इनका बीजों का अंकुरण हो जाता है, ठीक है। कम भी होगा तो नहीं होगा और अधिक भी होगा तो नहीं होगा। इसके लिए बीजों का अंकुरण के लिए तापमान चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद में इसकी सोयल, मृदा, कैसी मृदा है बेटा? इसमें आपको हर बार बताया कि बलुई दोमट या बलुई या बलुई दोमट सब्जियों के लिए यही सर्वोत्तम मिट्टी होती है भाई। कौन सी मृदा उपयुक्त होती है सब्जियों के लिए? बलुई दोमट या बलुई, ठीक है। इसके बाद में इसका पीएच कितना होता है? 6 से 7.5। कितना होता है? 6 से 7.5। पीएच मान कितना होता है? 6 से 7.5। खाद व उर्वरक इसमें खाद व उर्वरक FYM गोबर की सड़ी हुई खाद 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखना, FYM सीधा कभी नहीं पूछता कि प्रति हेक्टेयर कितना दिया जाता है। इसमें पूछता है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना होता है। इसका आपको हर बार बताता हूँ, ध्यान रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.2% और पोटास 0.5%। कितना होता है? 0.5%, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये चीज़ें याद रखनी है, वो नहीं रखना कि गोबर की खाद कितना दिया जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन दिया जाता है 80 से 125 केजी। कितना दिया जाता है? 80 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना दिया जाता है? 80 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस दिया जाता है 60 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। हमारी चाहे उपज लेना हो, चाहे खाद व उर्वरक देना हो या बीज देना हो, तो प्रति हेक्टेयर में बात होती है, ठीक है। इसके बाद में पोटास होता है 30 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर, 30 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर बेटा, ठीक है।
ये वाले आपको हमेशा याद रखना है, पूछ लेता है गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है तो 0.5%, फास्फोरस कितना होता है 0.2% और पोटास कितना होता है 0.5%। इसको रटने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता कि एक हेक्टेयर में गोबर की खाद कितनी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये याद रखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन कितना दिया जाता है 80 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस कितना दिया जाता है 60 से 75 केजी और पोटास दिया जाता है 30 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसकी सीड रेट, क्या देखते हैं सीड रेट। बीज दर, अब बीज दर इसकी कितनी होती है, सबसे कम मैंने खीरे की बताई थी 2 से 2.5 किलो, 2 से 2.5 किलो बताई थी खीरे की। अब याद रखना कि सबसे कम कद्दू वर्गीय में किसकी है, खरबूज की, 1.5 से 2 केजी, 1.5 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर है। कितनी है, 1.5 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखना सबसे कम किसकी हो गई, अब खरबूज की कितनी हो गई 1.5 से 2 केजी और खीरे की कितनी थी 2 से 2.5 केजी, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिड की भी बात करनी है भाई, हाइब्रिड की, हाइब्रिड की कितनी होती है 500 से 800 ग्राम, 500 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और तरबूज की कितनी लिखाई थी मैंने, 4.5 से 5 केजी सामान्यतः लिखाई थी और 1.5 से 1.5 से 2.75 किलो मैंने हाइब्रिड की लिखाई थी। ध्यान रखना हाइब्रिड का उसमें भी अलग से दे रखा है और इसमें भी अलग से दे रखे हैं, ठीक है। इसमें हाइब्रिड की कितनी है 500 से 800 ग्राम, 500 से 800 ग्राम। अब इसकी पौधरोपण दूरी, ठीक है, पौधरोपण दूरी कितनी होती है इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, ठीक है। ये कद्दू वर्गीय में कमी पूछी जाती है, आप इतना इनको रटने की जरूरत भी नहीं है, बाकी आप लिख सकते हो 1.5 से 2.5 मीटर, 1.5 से 2.5 मीटर, ठीक है। ये क्या है, रो टू रो है। प्लांट टू प्लांट कितनी होगी 0.6 से 1.2, कितनी होती है 1.2 मीटर। प्लांट टू प्लांट कितनी होती है, प्लांट टू प्लांट कितनी है 0.6 से 1.2 मीटर होती है और रो टू रो होती है 1.5 से 2.5 मीटर, कितनी होती है 1.5 से 2.5 मीटर। इनको इतना रटने की जरूरत भी नहीं है, इतना पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इन पर ध्यान न दे, एक बार सरसरी नजरों से देख लिया करो, बाकी इतना नहीं पूछा जाता कद्दू वर्गीय में पौधरोपण दूरी, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, कौन सा, वैरायटी, कौन सा आ गया, वैरायटीज। किस्में, कौन सी होती है, किस्में। बेटा वो याद रखना है वैरायटी खरबूज और तरबूज में दोनों मिक्स होकर पूछी जाती है जनरली क्वेश्चन की, निम्न में से तरबूज की वैरायटी कौन सी है, निम्न में से खरबूज की वैरायटी कौन सी होती है, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका बनता है कि निम्न में से तरबूज की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी होती है, ठीक है, या किसी का करेक्टर देकर पूछ लेता है, या किसी का करेक्टर देकर पूछ लेता है कि इस वैरायटी या पाउडरी मिल्डी रोधी कौन सी किस्म है, डाउनी मिल्डी रोधी किस्म कौन सी है, या एंथ्रेक्नोज किस्म कौन सी है, या अच्छे फ्लेवर के लिए कौन सी है, ठीक है, या फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति कौन सी रेसिस्टेंट वैरायटी है, ऐसे पूछ लेता है, या लंबे परिवहन के लिए कौन सी किस्म है, या अच्छे स्टोरेज के लिए कौन सी किस्म है, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है काफी बार। तो याद रखना बेटा इनके फीचर जरूर याद रखने हमको, ठीक है, लिखना दुर्गापुरा
दुर्गापुरा मधु, ठीक है बेटा। एक अर्का मधु या मधु किसकी वैरायटी है? तरबूज की। अर्का मधु या मधु, ध्यान रखना, अर्का मधु या मधु किसकी है? तरबूज की है। बाकी सब मधु किसकी है? बाकी सब मधु है खरबूज की, ठीक है। अर्का दुर्गापुरा मधु और पूसा रसराज, पूसा रसराज, ठीक है बेटा। ये दोनों वैरायटी, ये दोनों वैरायटी ये दोनों वैरायटी अगेती है। कौन सी है? अगेती किस्म है, अगेती किस्म है। अर्ली वैरायटी कौन सी है? अर्ली वैरायटी, ठीक है। कौन सी है? दोनों कौन सी है? अर्ली है, अगेती है बेटा, ध्यान रखना। पूछ ले कि खरबूज की निम्न में से कौन सी वैरायटी अगेती है। इसके बाद में है हरा मधु, हरा मधु ये वैरायटी है भाई। इसको काफी बार पूछता है। पहली बात तो इसका पिक्चर एक याद रखना, पछेती किस्म है भाई, लेट वैरायटी है। दूसरा याद रखना इसका, नेटिंग अवस्था में जाल अवस्था में तुड़ाई की जाती है बेटा। कौन सी अवस्था में तुड़ाई की जाती है इसकी? नेटिंग अवस्था या जाल अवस्था में तुड़ाई किस, कौन सी वैरायटी की जाती है? हरा मधु की। हरा मधु पचेती किस्म है, कौन सी है? पचेती किस्म है। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट है अर्का राजहंस, कौन सी है? अर्का राजहंस, ठीक है। ये किसके प्रति प्रतिरोधी है? पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी और लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है बेटा। पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी और लंबे परिवहन के लिए, लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है। लंबे परिवहन के लिए और पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म उपयुक्त है, ठीक है। लंबे परिवहन के लिए और पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है, कौन सी है? पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है। इसके बाद में अर्का जीत, कौन सी है? अर्का जीत, अर्काजीत, अर्काजीत है अच्छे फ्लेवर के लिए और मिठास के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए और मिठास के लिए, ठीक है। किसके लिए है? अच्छे फ्लेवर के लिए अच्छे फ्लेवर के लिए मिठास के लिए उपयुक्त है। इसमें 12 से 14 प्रतिशत TSS पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसमें? 11 से 12 प्रतिशत TSS पाया जाता है, अच्छे फ्लेवर के लिए है। इसमें सुगंध अच्छी आती है, ठीक है। इसका फ्लेवर अच्छा होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में है पंजाब रसीला, पंजाब रसीला, पंजाब रसीला, कौन सी है? पंजाब रसीला। इसके डाउनी मिल्ड्यू, कौन सी प्रतिरोधी किस्म है? डाउनी मिल्ड्यू, कौन सी है? डाउनी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू प्रतिरोधी,
प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी है? डाउनी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है। और ये कौन सी है? पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी है? ध्यान रखना, जिनके फीचर लिखा रहा हूँ उनका आदमी से याद करना है। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ऐसे नहीं कि ऐसे लिखा रहा हूँ, इनके क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट डेलियसिस। डेलियसिस एक वैरायटी है, डेलियसिस 51। कौन सी होती है? डेलियसिस 51 और क्वीन हार्वेस्ट क्वीन। कौन सी है? हार्वेस्ट क्वीन। कौन सी? हार्वेस्ट क्वीन, हार्वेस्ट क्वीन और डेलियसिस 51। ये दोनों वैरायटी किसके? फ्यूजेरियम विल्ट। एक फ्यूजेरियम विल्ट होती है, उसके प्रतिरोधी किस्म है ये भाई। फ्यूजेरियम विल्ट के प्रतिरोधी किस्म है भाई। फ्यूजेरियम विल्ट के प्रतिरोधी किस्म है कौन कौन सी? डेलियसिस 51 और हार्वेस्ट क्वीन। डेलियसिस 51 और हार्वेस्ट क्वीन, ठीक है। और ये पंजाब रसीला। कौन सी? पंजाब रसीला। ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के रेसिस्टेंट है बेटा। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी कौन से? दोनों के डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, डीएम और पीएम दोनों के प्रति रेसिस्टेंट है, ध्यान रखना ये, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू कौन सी है? पंजाब रसीला, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैरायटी है, पूसा मधुरस। कौन सी हो गई? पूसा मधुरस। ये वैरायटी भी है, इसमें टीएसएस पाया जाता है 12 से 14%। कौन सा पाया जाता है? कितना पाया जाता है? टीएसएस 12 से 14%। कितना पाया जाता है? 12 से 14%, ठीक है। इसके बाद में पूसा साबरमती सरबती सॉरी पूसा सरबती ये भी किसकी किस्म है? खरबूज की। पंजाब सुनहरी कौन सी है? पंजाब सुनहरी। कांसी मधु और डी एम डी आर वन ये भी किसकी किस्म है? खरबूज की। हिसार मधुर कौन सी है? हिसार मधुर। और इसके बाद में जोगनेर 96-1 कौन सी है? जोबनेर 96-2। इसके अलावा आपके बुक में दे रखी है ट्वेल्थ की में आर एम 43 और कल बताई थी क्वेश्चन में 43 और
आर एम 50, कौन कौन सी है, आर एम 50 और आर एम 43 दोनों किसकी है, खरबूज की है। इसके बाद में एम एच वाई 3 और 5 कौन कौन सी है, आर एम एच एम एच वाई 3 और एम एच वाई 5 ये भी किसकी है, तरबूज की है, खरबूज की है बेटा। अब इसके बाद में पंजाब हाइब्रिड 1, पंजाब हाइब्रिड 1 ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा वैरायटी, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, इसको याद कर लेना, हाइब्रिड वैरायटी है, शंकर किस्म है ये भी, ठीक है, शंकर किस्म है, कौन सी है, शंकर किस्म है। एक बच गई इसमें एन एल 7455 कितना है, 7455 7455 कौन सी है, 7455 ठीक है। अब एक नोट लगाकर लिखना, नोट, काशी मधु काशी मधु इसका भी एक फीचर बहुत अच्छा है, कौन सा है, यह स्टोरेज की कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, कौन सी होती है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, क्या होता है, भंडारण क्षमता सबसे अच्छी किसका है, काशी मधु का, कौन सी का है, काशी मधु का, ठीक है, लंबे समय तक भंडारण की जा सकती है ये, और वैरायटियों की कंपैरिजन में ये लंबे दिनों तक भंडारण या स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, ध्यान रखना सबसे लंबे भंडारण के लिए काशी मधु है, कौन सी है बेटा, काशी मधु है, ठीक है, ये आपकी मुख्य मुख्य वैरायटी होगी। एक बार इसका रिवाइज करते हैं, दुर्गापुरा मधु, दुर्गापुरा मधु और पूसा रसराज कौन सी है, आगेती किस्म है बेटा, सीधा सा पूछ लेगा निम्न में से आगेती किस्म है, एक ऑप्शन इनमें से देगा और एक बाकी तीन ऑप्शन अलग दे देगा, तो कौन सा होगा इसमें, दुर्गापुरा मधु और पूसा रसराज कौन सी वैरायटी है, आगेती है, ठीक है। हरा मधु, हरा मधु का फीचर है एक तो पछेती किस्म है, ठीक है, एक तो पछेती किस्म है और एक जाल अवस्था में तुड़ाई की जाने वाली किस्म है, कौन सी अवस्था में की जाती है इसकी तुड़ाई, जाल अवस्था में, जबकि खरबूज की तुड़ाई की जाती है पूर्णधारी अवस्था में, कब की जाती है, पूर्णधारी अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट अर्का राजहंस, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है भाई, लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, अर्का राजहंस, कौन सी है, अर्का राजहंस, अर्का जीत, ठीक है, अर्का जीत, अर्का जीत किसके लिए है, अच्छे फ्लेवर के लिए है और मिठास के लिए है, ठीक है, मिठास के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद में पंजाब रसीला, पंजाब रसीला डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के प्रतिरोधी किस्म है, डाउनी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डेलियसिस 51 याद रखना बेटा, डेलियसिस 51 किन हार्वेस्ट किन, ये फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति, फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति ये रोग है, फ्यूजेरियम विल्ट किसका रोग है, मुख्यतः किसमें लगता है, अमरूद में भी लगता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, गुआवा में भी लगता है फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है। तो इसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, फ्यूजेरियम विल्ट के डेलियसिस 51 और हार्वेस्ट क्वीन किसके प्रतिरोधी है, फ्यूजेरियम विल्ट के प्रतिरोधी है, ठीक है। पूसा मधुरस TSS 12 से 14% पाया जाता है बेटा, इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है आपको 14 12 से 14% TSS
पूसा मदुरस में पाया जाता है, पूसा सरबती ये भी एक किस्म है बेटा, अच्छी है इसकी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पंजाब सुनहरी, कांसी मधु वही बात है जो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉन्ग स्टोरेज के लिए भंडारण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है बेटा, कांसी मधु की होती है बेटा, किसकी होती है, कांसी मधु की। डी एम डी आर वन ये भी किसकी किस्म है, खरबूज की। हिसार मधुर ये भी खरबूज की किस्म है बेटा। चलिए नेक्स्ट, जोबनेर 96-1 ये भी बढ़िया है बेटा, इसको याद कर लेना, अपने यूनिवर्सिटी के नाम पर है भाई ये, जोबनेर से निकाली गई है इसलिए इसको याद रखना, राजस्थान की वैरायटी, ठीक है। RM43 RM50 दोनों ही किसकी है, खरबूज की है। MHY3 MHY5 ये भी किसकी है, खरबूज की। ठीक है, पंजाब हाइब्रिड वैरायटी बेटा ये भी संकर वैरायटी है, किसकी है ये, पूछी जाती है कई बार, प्रथम वैरायटी इसकी खरबूज की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, पंजाब हाइब्रिड वन, ठीक है, ये इसकी पंजाब हाइब्रिड वन फर्स्ट वैरायटी है भाई, किसकी, खरबूज की है भाई ये, ठीक है ना। इसके बाद में NL 74-55 ये भी किसकी वैरायटी है, ये आपके ये वाली वैरायटियाँ ये आपके बुक में लिखी हुई है, 11th 12th की मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। NL 74-55 ये किसकी है, खरबूज की, कांसी मधु, आप ही बताएं, आपको भंडारण क्षमता अधिक होती है या अच्छी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं अपन, अब इसकी तुड़ाई, तुड़ाई कब करते हैं बेटा, खरबूज की तुड़ाई, हार्वेस्टिंग, ठीक है, इसकी तुड़ाई कब की जाती है, इसकी बुआई के 90 से 125 दिन बाद में तुड़ाई कर ली जाती है, कब के लिए, कब कर ली जाती है, बुआई, बुआई के 90 से 125 दिन बाद तुड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, 90 से 125 दिन बाद तुड़ाई कर लेते हैं। और दूसरी बात याद रखना, पहले ही लाइनों में लिखा चुका हूं मैं आपको कि खरबूज की तुड़ाई किस अवस्था में की जाती है, पूर्णधारी अवस्था में, याद रखना, पूर्णधारी अवस्था में तुड़ाई, पूर्णधारी अवस्था जिसको क्या बोलते हैं, फुल स्लीव, स्टेज पर। यह ध्यान रखना, हरा मधु कब तुड़ाई की जाती है, नेटिंग अवस्था में, एक वैरायटी है जिसकी अलग से तुड़ाई की जाती है, ठीक है, याद रखना, हरा मधु की कब की जाती है, नेटिंग अवस्था में, जाल अवस्था में, ठीक है। इसके बाद में इसकी उपज, इसकी उपज होती है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है बेटा, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, कितनी होती है, 100 से 150 क्विंटल, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है, उपज होती है, ठीक है। इसके बाद में इसका स्टोरेज, भंडारण, भंडारण तापमान कितना होना चाहिए और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए और कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तापमान व 95% RH
अपेक्षित आर्द्रता पर, अपेक्षित आर्द्रता पर 5 से 10 दिन के लिए रखा जा सकता है। कितने दिनों के लिए? 5 से 10 दिन के लिए, 5 से 10 दिन के लिए 5 डिग्री सेल्सियस और 95% RH रियल ह्यूमिडिटी अपेक्षित आर्द्रता पर रखा जा सकता है। भंडारण हो गया। इसके बाद बेटा ये आपके कद्दूवर की सब्जियां कंप्लीट हो गई है। इसमें से एक आपको जरूर छोटा सा नोट कराऊंगा परवल के बारे में। परवल, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कद्दू वर्गियों में कटिंग के द्वारा या वाइन कटिंग के द्वारा परवर्धन या प्रोपेगेशन किसका किया जाता है? तो किसका किया जाता है परवर्धन कटिंग के द्वारा? परवल, परवल तो सब जानते होंगे। इसका परवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? परवर्धन कटिंग या कलम किसके द्वारा किया जाता है? कटिंग के द्वारा, कद्दू वर्गीय में कटिंग के द्वारा परवर्धन किसका किया जाता है? परवल का। किसका किया जाता है? परवल का, ठीक है ना। कितनी कटिंग होनी चाहिए इसके लिए? इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2000 से 2500 कटिंग प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसकी कटिंग कितनी होनी चाहिए? 2000 से 2500 कटिंग प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। अब इसकी एक दो वैरायटी है, ठीक है, वो भी अच्छी है। इसकी वैरायटी परवल की किस्में, ठीक है, परवल की किस्में कौन कौन सी है? कल्याणी हो गई, दामोदर हो गया, कल्याणी, दामोदर, दामोदर, कल्याणी, और इसके बाद में छोटा हिल, छोटा छोटा हिली, ठीक है, और सोलना रेखा, स्वर्णा रेखा बिहार, शरीफ, ये किसकी वैरायटी है? परवल की किस्में है बेटा। और एक हो गई डंडली या डांडली, डांडली या डांडली, ठीक है, ये किस्में किसकी हो गई? परवल की। ध्यान रखना इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए उपज बढ़ाने के लिए 10% नर पौधे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10% नर पौधे होने चाहिए। ठीक है, 10% नर पौधे होने चाहिए, ठीक है। ये आपके
परवल, परवल का आप वैरायटी मत रटना चाहिए, आप ये रट लेना। इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, कलम के या कटिंग के द्वारा होता है। और कितनी कटिंग की आवश्यकता होती है, 2000 से 2500, ठीक है। कितनी होती है, 2000 से 2500 कटिंग पर हेक्टेयर की बात है बेटा, ठीक है, इतना सा याद रखना, ठीक है। इसके बाद में आपका ये चैप्टर और कद्दू वर्गीय सब्जियां कंप्लीट होती हैं आपकी, ठीक है, कद्दू वर्गीय सब्जियां कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ कल इसके क्वेश्चन लेके आएंगे मंडे को, ठीक है। इसी के साथ अपना समय पूरा होता है। थैंक यू सो मच।